जिंदाबाद। राष्ट्रपति सरदार रघु कुलभूषण की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी द्वार पे विराजमान है। द्वारपाल इसलिए आया है ताकि आपको सूचना दी जाए। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। हाँ पृथ्वीनाथ, मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। चलिए दरबार को स्वागत कीजिए। चलिए दरबार को स्वागत कीजिए। मंत्री जी आनंद रहो। यहाँ तक आपको आने में कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा जाता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ। हम फकीरों के पास स्वयं आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं। महाराज आप शर्मिंदा ना करें और जल्दी से दरबार में बताइए। बहुत अच्छा, चलिए। मेरे धन्यवाद जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को पवित्र किया। आपके दर्शन से चित्त गदगद हुआ। आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए चित्त तो प्रसन्न है, चेहरे पर कुछ उदासी सी प्रतीत होती है। यह स्वभाव विरुद्ध परिवर्तन थकावट से है या कोई और कारण है? गजब गजब सितम सितम गौर अंधेर महादेव। प्रजापति लूटा करे और आपको काना कार खबर ना हो। ए मुनि जी सुनाई जे क्या दास्ता, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। ए मुनि जी सुनाई जे क्या दास्ता, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, लब्ज जाता जे हमसे सहारा नहीं। ए मुनि जी सुनाई जे क्या दासता, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। खून सुनते ही हमारा उभलने लगा और कलेजा भी हाथों उछलने लगा। हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा, राजा का भय जरा भी बिचारा नहीं। ए मुनि जी सुनाई जे क्या दास्ता, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। मेरे राज्य में जंदेर चोरी नहीं बल्कि सीना जोरी। यदि मेरी प्रजा इस कदर आजार है तो मेरा राज्य करने पर भी धिक्कार है। मैं अभी
आई है जो उन्होंने इस तरह की आफत मचाई है। वो साधु सन्यासियों को भी आकर सताने लगे हैं, यकीन मानिए अब वो मौत के मुंह में आने लगे हैं। महाराज आपका कष्ट करने की क्या जरूरत है? और ना कोई ऐसी बात, ऐसी खतरनाक कोई बात है। आप केवल राम और लक्ष्मण जी को भेजो हमारे साथ। ईश्वर की दया से दोनों को बड़ा विद्वान है। मैं दोनों जवान हैं और ताकतवर हैं, सबका सत्यानाश करके आएंगे। नहीं नहीं महाराज, मुनि जी ये मैं कैसे गवारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेजूं और खुद जहां मोजा मारे करूं। कुछ तो परमेश्वर लगती कहो, क्यों हट ना करते रहो। अगर सच पूछो तो राक्षस परले दर्जे के बेईमान और चालाक हैं। आप इन तमाम घटनाओं को सामने रखकर विचार करें। और ऐसी असंभव उम्मीद हमसे ना रखें। आश्चर्य है रघुकुल में ऐसे कार्य कहां पैदा हुए। तेरे पास आकर हमने बहुत धोखा खाया है। तेरे पुरखों ने किसी की सहायता करने से इनकार नहीं किया। मैं क्या करूं, ये दोनों अपने अपने हाथ पे खड़े हैं। किसको समझाओ और किसकी बात मानो। महाराज आप ज्यादा इसरार मत कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार मत कीजिए। और आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हो। यदि मुनि जी खाली चले गए तो जग में हसवाई होगी। हाँ गुरु जी दुरुस्त है, आप तो इन्हीं का पक्ष लेंगे। हमारा कहना सुनना बिल्कुल फिजूल है और इनकी हर बात संभव और माकूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेजाऊं और जहां खुद मोजे मारा करूं। लोग क्या कहेंगे कि खुद तो डर के मारे घर में छुप रहे और नाहक बच्चों को युद्ध में भेजकर मरवा दिया। जब औलाद नहीं थी तो दिल वैसे ही बेकार था और अब जब हुए हैं तो आप इस दर पर आजार हुए। खैर जो कुछ होना है हो के रहेगा और जो कुछ जिसको कहना वो कह के रहेगा। जाइए ले जाइए और अपना काम बनाइए, मगर इतनी मेहरबानी करना कि आपका काम बन जाए तो जल्दी राजकुमारों को अयोध्या में पहुंचा देना, क्योंकि इनके सिवा मेरा दिल बेकरार रहेगा। लीजिए महाराज इनको ले जाइए और अपना काम बनाइए। बहुत अच्छा राजन। मुनि जी एक कौन से मुकाम पर लाए हैं? और की माता
मारी चार सभा की माता तारका मुझे भाई ने भाई किसी जंगल में क्या हो रहा है पक्का बता भाई कन्ने और निकलती क्या बै भी अपने बेटों की तरह बदकार है आला दर्जे के जाली मोर बेहार है चलिए मुनि जी आगे कदम बढ़ाओ नहीं वो थमने कहीं की आम है भी चाह बना हूं चुप कहीं कहीं आगे पीछे होगी जैसे ही मिले उसका काम तमाम कर देना हेलो मुनि जी स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है ये आपका वृद्धा ही पछताव है और खासकर क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध बिल्कुल खिलाफ है नहीं पापी को दंड देना ही उचित है सर पहले ग्यारह बजे जाए नहीं ग्यारह बजे आए तारका मासी की जय आगे की तरह बात कर और हिम्मत है वो मैदान पर आ दंत गड्डी रे रे मालूम होता है जिंदगी से बेजारो जिंदगी में पेट पर आ रहे हो पर खुश होई है छे जी हां क्या हाल है उन जी को बड़ा सुन अधी विश्राम करेंगे अच्छा बड़ा बड़े एमपी पी जाते ये फोन पर हो ही जाते यूट्यूब पर डाउनलोड करे फोन पर हो जाते लो सब लो अरे बदकार क्यों मुंह पार पार कर इतना चिल्ला रहा है
जोड़ ले जो ब्राह्मण आदान पीछे और जब ईमान तेरे सिर पर कजा सवार है, तू खुद मौत का तलबगार है। मुंह से कच्ची बाल ना निकाल, तू भी अपनी जबान को संभाल। अरे कंबल, अभी तो तेरे मुंह से दूध की बू आ रही है, तो तैयार हो जा, तेरी मौत जहां तुझे बुला रही है। अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। मेरे तो नहीं टूटे, पर तेरे जरूर तोड़ूंगा। चारे से बाल नहीं आता, इस बार मेरा बार खाली नहीं जाएगा। खबरदार होशियार। ना मर्दों का काम है, भाग गया जो जुट से, मर गया मौत हराम। ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव, अन्यथा हमारी क्या बुनियाद है। नहीं नहीं, तुम सूर्य वंश के चिराग हो, चांद में दाग है, किंतु तुम बेदाग हो। गुरु जी, आप बड़े आला दिमाग हो। गुरु जी आप धन्य है। आपको क्या काम है भाई? उनके नाम एक पैगाम है, विश्वामित्र के नाम एक पैगाम लाया। हाँ, मेरा इसी जगह क्या है? हाँ, मेरा इसी जगह क्याम है। क्या आपका ही नाम है? क्या आपका नाम है? विश्वामित्र है। हाँ, लाइए जी, कौन सा पत्र है? हाँ, लाइए के कौन सा पत्र है? बढ़िया पत्र लीजिए महाराज। लीजिए महाराज, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, और समाचार सारी जगह पहुँचाना है। बैठिए महाराज, बैठिए महाराज, कुछ चाय पानी पीजिए और थकान दूर कीजिए। नहीं महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जगह जाना है। धन्यवाद। गुरु जी, ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर जाया है, और हमें भी उसमें शामिल होने में बुलाया है। यदि कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दो। हाँ, बहुत खुशी से तैयारी कीजिए। आप ही लोगों के लिए स्वयंवर जाया है, हमें तो केवल देखना है।